वेलकम टू मेडिकल ऑनलाइन। जैसा कि हम पहले आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का शॉर्ट टर्म रेगुलेशन देख चुके थे, आज हम इसका लॉन्ग टर्म रेगुलेशन देखते हैं। जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है ये कम्प्लीटली किडनी पर बेस्ड होता है। इसको एक्टिव होने में 3 से 10 दिन का समय लग जाता है और ये ब्लड प्रेशर को कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल लाती है। जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होता है दो टाइप्स होता है, डायरेक्ट रेगुलेशन और इनडायरेक्ट रेगुलेशन। डायरेक्ट रेगुलेशन जो होता है वो कम्प्लीटली किडनी पर बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको इनहेंसमेंट भी कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट रेगुलेशन होता है इसको हम हार्मोनल रेगुलेशन भी कहते हैं, जो कि दो हार्मोन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसका डायरेक्ट रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ब्लड प्रेशर के कम होने से जो किडनी को ब्लड सप्लाई हो रही थी वो भी कम होगा, उससे जो टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था वो कम हुआ, उससे रिनल एसीमिया बना। रिनल एसीमिया होने से जीएफआर कम हुआ। अब जीएफआर को नॉर्मल करने के लिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का टेंशन होता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। वो ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और नॉर्मल रेंज में आता है। ठीक, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट रेगुलेशन। देखते हैं इनडायरेक्ट मैकेनिज्म, जो कि हार्मोन के थ्रू होती है। ये दो सिस्टम पर बेस्ड होती है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे काम करता है वो देखते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर के कम होने से क्या होगा, जो टिश्यू परफ्यूजन था वो कम होगा, इससे टिश्यूज में इस्केमिक कंडीशन बढ़ेगी, उससे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होती है वो एक्टिव होगी, स्टिमुलेट होगी और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी। एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के ग्लोमेरुलस पार्ट से सिक्रेट होता है। अब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ब्लड में बढ़ा, एल्डोस्टेरोन काम करता है किडनी पर, जो कि नेफ्रॉन के डीसीटी डेंसिटी पे काम करता है। अब जैसे एल्डोस्टेरोन डीसीटी सीडी और सीटी पर एक्ट करेगा, इससे ये वाटर को इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जो एल्डोस्टेरोन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करवाता है कंपेयर टू वाटर। अब हम देखते हैं लास्ट सिस्टम के थ्रू किस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। लास्ट सिस्टम इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक, जैसा हमने देखा था ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, जिससे टिश्यू परफ्यूजन कम होता है, उससे इस्केमिक कंडीशन डेवलप होती है। अब रिनल के इस्केमिया कंडीशन डेवलप होने से जो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस होता है वो एक्टिव होता है, जिससे रेनिन सिक्रीट होता है। ठीक, जेजी एपरेटस अफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियल के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। रेनिन एक एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है, वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स की वॉल से सिक्रीट होता है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड 3 तरह से एक्ट करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। फर्स्ट ये एक्ट करता है इनडायरेक्टली रूप से एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को बढ़ाकर, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है, जिससे एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ता है। जैसा कि हमने भी देखा था एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म में एल्डोस्टेरोन वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरी मैकेनिज्म जो एंजियोटेंसिन सेकंड की है वो डायरेक्ट नेफ्रॉन पर एक्ट करेगा और वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन करेगा। ठीक, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जो इसका थर्ड मैकेनिज्म होती है, जो कि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के फॉर्म में होती है। इससे ये आर्टरीज का डायमीटर कम करेगा, आर्टरी का डायमीटर कम होने से उसमें प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर 2 टाइप्स से ड्रग्स दे सकते हैं। एक वो ड्रग जो ACE को इनहिबिट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा और उससे ब्लड प्रेशर वैरी नहीं होगा, जैसे कि कैप्ट्रोपिल एंड इसके जो सोबे ड्रग्स। सेकेंड क्लास का हम जो ड्रग देखें वो एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर ब्रोकर होंगे, जब हम इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तब भी ब्लड प्रेशर में राइज नहीं होगा, जैसे कि कैंडसर्टन एंड अदर।